तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। कल मैंने आपको बोला था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें आपको हम पढ़ भी चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं 7th 8th में, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में। यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ रासायनिक परिवर्तन लिख दिए, तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें कुछ मैंने आपको उदाहरण लेने के लिए बोला था, आपके डेली एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी ऐसी क्रियाकलाप हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं या रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखते हैं उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हमने देखे हैं होते हुए। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है जिसे रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वैसे ही जब हम धातुओं की कोई वस्तु आर्द्र वायुमंडल में रख रहे हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सभी कुछ क्रियाकलाप हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हो रहे हैं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, तो जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये एक क्रियाकलाप भी है हमारे पास जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसमें हम एक रासायनिक परिवर्तन को होते हुए देखेंगे, जो हमने 8वीं क्लास में भी किया है और क्लासरूम में भी हम कर चुके हैं इसको। इस क्रियाकलाप में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, 3 से 4 सेंटीमीटर वो लंबा है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए सबसे पहले, तो फिर उसे किसी चिमटे से पकड़ के, कोई आपने बर्नर लेना है या कोई भी लैंप आप ले सकते हैं, उस पर उसको जलाया जाता है। तो जब उसको जलाते हैं तो एक चमकदार लौ निकलती है, आपने देखी भी थी एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था, और उसके बाद उसका एक पाउडर बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को हमने किया था, इसमें रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो पाउडर में बदल गया। अब ये जो पाउडर है इसके गुण अलग हैं और जो मैग्नीशियम रिबन जो था उसके गुण अलग थे। तो क्योंकि जो नया पदार्थ बना है उसके गुण बिल्कुल अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई नया पदार्थ बना है और यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रस्तुत करेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बता सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी हम 8th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पहले लिया मैग्नीशियम और जब हमने उसको जलाया, तो जलाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़े हैं, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई है और उसके बाद एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो एक एरो लगाया हमने, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमने वो चीज़ें लिखी जो हमने स्टार्टिंग में ली हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और अभिक्रिया के बाद जो बना है वो हमने एरो के राइट हैंड साइड में लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस समीकरण को जब हम इस प्रकार लिखेंगे शब्दों के रूप में तो इसे शब्द समीकरण कहा जाएगा, लेकिन इसी समीकरण को हम इसके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में भी लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे, इस प्रकार से। तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये सॉरी MgO। तो ये रासायनिक समीकरण हम जब शब्दों प्रतीकों और उसके सूत्रों के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने सूत्रों और प्रतीकों का प्रयोग किया है, इसे हम रासायनिक समीकरण कह देंगे। रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार रासायनिक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि
मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले हमने रेगमाल से क्यों साफ किया था? रेगमाल से इसलिए साफ किया गया क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है जिसके ऊपर जब वो वायु के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है ऑक्साइड की। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे उसको पहले साफ करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑक्साइड की जो परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है वो उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करेगी, तो उस परत को हटाना पड़ेगा पहले। तो हटाने के लिए हमें रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। तो आज के लिए आपका प्रश्न बन जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। दूसरा, आपने ये बताना है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जब रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो उस परिवर्तन के दौरान क्या-क्या परिवर्तन आप अनुभव करते हैं। ये काम आपके आज के लिए है तो आप करें उसको और फिर करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। ओके, थैंक यू।